अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह के कम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो गई अपलोड करने में, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा टाइम टेबल सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं ना बेडशीट चेंज कर रही थी और ये मैं नई लेके आई थी, दोनों ही एक मतलब मैंने सऊदी अरब से ली थी, एक पाकिस्तान से। पाकिस्तान वाले तो माशाल्लाह ही होता है। और इम्तियाज़ से मैंने ली थी और ऊपर लिखा हुआ है डबल एक्सल बेड की बेडशीट थी, और मतलब वो आधी आई है और आधी मतलब उस पर पूरी कवर ही नहीं हो रही, पूरा आधा बेड दिख रहा था, मतलब जो गद्दा होता है नीचे का। तो इसलिए बस चेंज करके दूसरी भी छा दी थी। और यहाँ पर बस आटा भी गूंद गया था। मैंने आज सिंपल ही पुलाव बना ली थी, क्योंकि रात को सहरी भी करनी थी, इसलिए बस लाइट सी पुलाव बना ली थी। और बस घर बिल्कुल क्लीन हो चुका था। और ये वाला जो दूसरा वाला रूम था, मैंने दोबारा से थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी। आयजा का जो बेड था वो ले गई मैं सामने, डाइनिंग टेबल बिल्कुल यहाँ लिया है, क्योंकि किचन के बिल्कुल बराबर में ये रूम है, तो डाइनिंग टेबल करीब हो जाएगी, ताकि मुझे बार बार ना चप्पल उतारनी नहीं पड़ेगी, मुझे स्लीपर पहन के काम करने की आदत है। तो इसीलिए बस तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये कर देती हूँ, करीब रख देती हूँ। बस यहाँ पर मैंने अपना नया ड्रेस निकाल लिया था पहनने के लिए, और मैं आप लोग को इसका थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाती हूँ। इतना अच्छा सिला हुआ है ड्रेस, बहुत प्यारा। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं ट्राउज़र पे भी कुछ इस तरह से पजामा बना हुआ है। और बस आज मैंने मैचिंग की चूड़ियाँ भी पहन ली थी, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था। खुशी तो होती है भाई, रमज़ान की तो बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ देख सकते हैं ड्रेस मैंने पहन लिया है, और फिर उसके बाद हम मैं थोड़ी देर लेट गई थी, रेस्ट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर किचन में आ गई थी सहरी बनाने के लिए। और सहरी में बस सिंपली आयजे के लिए नगेट्स फ्राई किए थे, हमारे लिए कबाब फ्राई किए थे, और सालन मैंने बना लिया था रात में ही, चिकन आलू गाजर मटर का सालन बनाया था मैंने। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, आयजा आ गई थी, कहती लाओ मम्मा मैं बनाऊँ और आप इसके काम चेक करें। और बस साथ साथ में अपनी भाभी से भी बात कर रही थी, और साथ साथ बस रोटी भी बना रही थी। अम्मी लोगों से भी बात कर रही थी, क्योंकि वो लोग सहरी करके फ्री हुए थे और मैं उनसे बात करने लग गई थी। और यहाँ पर आयजा आयशा को छेड़ रही थी, जो मेरी शादी भाभी की भी शादी हुई है उसको। और यहाँ पर चाय भी रख दी थी, क्योंकि चाय हमें आदत है बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए, कम से कम आधी घंटा चाय जो पकी हुई होती ना वो चाय अच्छी लगती है। और मुझे चूड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही थी ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पहनी थी इसीलिए। और ड्रेस मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि भाई मुझसे नया ड्रेस पहन के काम नहीं होता किचन में। तो बस ड्रेस चेंज कर दिया था, मैंने चूड़ियाँ नहीं उतारी थी, क्योंकि चूड़ियाँ मुझे अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पर मेरी सहरी रेडी हो चुकी थी, और देख सकते हैं बस थोड़ी सी जो रात की पुलाव थी मैंने वो भी गर्म कर ली थी, अपने लिए एक परांठा बना लिया था। और मुझे बस एक परांठा मैं बना लेती हूँ, आधा खाती हूँ, बस इसे पूरा नहीं खा सकती, थोड़ा बचा देती हूँ, भले एक को ना बचाऊँ पर बचा देती हूँ, पूरा नहीं खा सकती मैं। तो यहाँ पर बस देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी है। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।